इंकलाब जिंदाबाद। सैयद मर जाओ, सैयद मर जाओ। मजदूर एकता जिंदाबाद। छत्ती जाति का भाईचारा जिंदाबाद। तेनो काले कानून वापिस ले, तेनो काले कानून वापिस ले। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत दिन सोलिए यो टेम आ लिया ही तारा जब वो सुतर हो गए ना जो कर 70-80 साल तक हरी हालत आग कभी नहीं मरेगी। ईब सही टाइम आ गया है और ईब अपना हक की खतर है। एकदम तैयार हो जाओ सारी बातों में। क्या एक बात सिलेंडर 800 पार हो गया, वो लोगों का कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ईब कहाँ गए, कहाँ मुंह छुपा के बैठ गया। अब वो जो स्मृता ईरानी थी 300-350 का सिलेंडर पे रोज सिर के ऊपर सिलेंडर लेकर नाचा करती, आज कर है आज उसको दिखाई नहीं देती। माता बहने महंगाई की सतर पर पहुंच गई है। हर रोज का एक ड्रामा इनका शुरू होता है। महंगाई की इतनी तकड़ी मार करती है। इन लोगों का तो ऐसा काम है खाने के लिए रोटी नहीं छोड़ेंगे, शौचालय बना दिए, बड़े बड़े गोदाम बना के खड़ा कर दिए। इन्होंने हमें मूर्ख समझ रखा है। पहली बार एक ऐसी कौम आई है किसान कौम जिसने अभी ये सोच लिया है करो और मरो, ये हमारी आजादी की दूसरी लड़ाई है। यदि हम ये लड़ाई हार गए तो उसके बाद ना हम नस्ल बचा पाएंगे ना फसल बचा पाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है हम एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करके एक दूसरे के हाथ से साथ देके इस लड़ाई को अपनी लड़ाई को तन मन धन से लड़े, एक दूसरे का सहयोग करें, गाँव में जाकर बात करें कि कैसे हमने इस आंदोलन को चलाना है। और जो दिल्ली से हमारे कोई भी संदेश आए उस संदेश के ऊपर ही काम करें। अपनी तरफ से 12 से लेकर 4 बजे तक रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा, तो हमने उसी के अनुरूप कार्य करते हुए अनुशासन से और शांतिपूर्ण तरीके से अपना जो प्रोग्राम था उसको सफल बनाया। कहां कहां से लोगों ने भाग लिया? यहां पर लगभग 10,000 लोगों ने भाग लिया और पूरे जींद क्षेत्र के, मैं कहूँगा कि बांगर क्षेत्र के लोग यहाँ बरसोड़ा पहुँचे और महिलाओं ने भी भरपूर साथ दिया। 5,000 की संख्या महिलाओं की थी और इतने अजरी पुरुषों की। आगे किस प्रकार की रणनीति रहेगी? आगे हम आंदोलन को और तेज करेंगे और हमारी रणनीति है कि जो खटखट टोल प्लाजा है वहाँ पर 15-15 गांव से ड्यूटी लगाएंगे, नए आदमी आएंगे हर रोज। तो ये एक पूरे हफ्ता का कार्यक्रम हमने इस प्रकार से बनाया, एक हफ्ता के बाद फिर उन गाँव की ड्यूटी आएगी। इस प्रकार से आंदोलन में तेजी भी मिलेगी और दिल्ली के लिए भी हमने प्रोग्राम और रूपरेखा तैयार की है कि अरे गांव से छोटा गांव है 20 आदमी और बड़ा गांव है उससे 40 आदमी, एक हफ्ता के लिए और हफ्ता होने के बाद उनको बदला जाएगा, उनके स्थान पर दूसरे 20 आदमी छोटे गांव से और 40 आदमी बड़े गांव से भेजे जाएंगे, क्योंकि अब काम का समय आ चुका है, फसल भी काटनी है, पशुओं को भी देखभाल। बहुत बढ़िया अच्छी तादाद थी, महिला हर मतलब मोर्चे पे कदम से कदम मिला के चल रही हैं और जिस स्त्रियां मान लो महिला सहयोग कर रहे हैं हम जीत के बहुत करीब हैं और यहाँ आप देख भी सकते हो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा महिलाओं का। और हम बढ़ चढ़ कर जब तक ये तीनों कानून काले कानून वापस नहीं होंगे हम ऐसे ही हर मोर्चे पे अपने डटे रहेंगे। महिलाओं ने ही इसकी अध्यक्षता की है, जी हाँ। कैसी भागीदारी रही है? बहुत बढ़िया भागीदारी रही है जी, क्योंकि महिलाओं को आगे करके जो खाप पंचायत कल तक महिलाओं को पीछे करने में पसंद करती थी आज वो खाप पंचायत महिलाओं को आगे करने में पसंद कर रही है। हमारे लिए एक ये सौभाग्य की बात है कि हरियाणा से एक मतलब आजादी तो दूसरी मिलेगी, मेरे ख्याल से महिलाओं को भी आजादी मिलेगी। जो घूंघट प्रथा थी या कुछ चीजें थी वो चीजें इस जो मुहिम है या आंदोलन है इसमें पीछे रह गई है। अध्यक्षता किसने की है? यहाँ करनी देवी है जो यहाँ पर सोड़े की है।